नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे स्पर्श भाग दो से यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। देखो, इस पाठ में ही हमें इस पाठ में क्या दिया है पता चलता है कि अब कहाँ कि अगर पहले के से दूसरों के दुख में अपना दुख मानने वाले और उनको मदद करने वाले लोग हुआ करते थे, अभी कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग जो दूसरों के दुख में अपना दुख मानकर उनको मदद करना है। कुछ लोग, पर कुछ लोग अभी नहीं है। तो इस पाठ में क्या दिया है वो हम आगे देखेंगे। इस पाठ से आपको सीख मिलेगी कि मानव संवेदना होने के संकेत आपको दिए जाएंगे, व्याकरण के नियम की आपको जानकारी मिलेगी और भाषा कौशल्य का आप में विकास होगा। अब इस पाठ के जो लेखक है निदा फाजली, जैसे यहाँ उनका पिक्चर भी दिया है, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे ये निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की 67वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वहीं निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शेरो शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में भी अपनी किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। देखो, निदा फाजली, इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में हुआ है, इनका बचपन ग्वालियर में बीता है, ये उर्दू के 67वीं पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो गद्य में है आम भाषा के बोलचाल सरल भाषा का उन्होंने वहाँ प्रयोग किया है और ऐसे में ये सबके घरों में सबके दिलो दिमाग में इनकी कविताएँ रहती हैं। निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेरो शायरी का भी बहुत ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम इस पाठ में भी देख सकते हैं। तो निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता ही अपनी पहली पुस्तक आई है। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरों दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यानी उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, उस किताब का नाम है दीवारों के बीच, ये पहला भाग है, और दीवारों के पार ये दूसरा भाग है। फिल्म उद्योग के संबंध रहे निदा फाजली का निधन 18 फरवरी 2016 में हुआ, यानी आज से 4-5 साल पहले ही इनका जन्म हुआ, सॉरी मृत्यु हो गई है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। तो इन्होंने ये सारे कहानियाँ लिखी है।